दोस्तों आप देख रहे हैं डी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोस 10th क्लास और 12th क्लास के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, सीबीएसई बोर्ड के जो 10th और 12th के रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिए गए हैं, यानी कि वो 10th और 12th के जो रिजल्ट है सीबीएसई बोर्ड के वो रिलीज हो चुके हैं। अब दोस्तों आपके जेके बोस के भी जो रिजल्ट है वो आने वाले हैं। ये बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट आपको इस वीडियो में देंगे कब तक आपके रिजल्ट है वो अनाउंस हो सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जेके बोस यानी कि जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसके अंदर जो है आपके 10th और 12th के जो रिजल्ट है वो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे चर्चा में है। यहाँ पे बात करें सबसे पहले तो सॉफ्ट जोन और हार्ड जोन में डिवाइड किया गया है। दोनों के जो रिजल्ट हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे पीडीएफ वगैरह अपलोड की जाएगी। काफ़ी सारे जम्मू के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कश्मीर के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं सॉफ्ट जोन और हार्ड जोन में। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको एक रिकॉर्डिंग दिखा देता हूं जो कि ऑफिशियल जेके बोस की तरफ से। आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहते हैं, 10th 12th के रिजल्ट्स कब आएंगे? क्योंकि बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी एक्साइटेड भी है और कहीं ना कहीं उनमें एक डेस्पिरेशन भी है कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो उनके लिए क्या? ये जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का डोमेन है, लेकिन जो हमारा रोल रहता है हमें प्रोवाइड करने होते हैं इवेल्युएटर्स, दो मार्किंग इज इन द फाइनल स्टेजेस, क्योंकि हमारे पास अभी जो हार्ड जोनस के एग्जाम्स है वो मुझे लगता है 10 को वो ख़त्म हो जाएंगे। हार्ड जोनस के पेपर्स आंसर स्क्रिप्ट्स आने हैं, तो विद इन दिस मंथ हमारे रिजल्ट्स निकल आएंगे। तो हमारी इससे पहले बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स हमारी एक मीटिंग होती है, वो अभी मीटिंग नहीं हुआ, लेकिन वी आर इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग द रिजल्ट्स। तो आपने जो है रिकॉर्डिंग सुननी ही ली होगी, इन्होंने बताया है कि 10 तारीख तक जो आपके एग्ज़ाम थे अब 10 तारीख हो चुकी है, यानी कि आपकी जो चेकिंग वगैरह है वो सब हो चुकी है। अब फाइनली आपकी लिस्टें बनना शुरू हो जाएंगी और लिस्टों का जो काम है वो 5 या 10 दिनों में कंप्लीट किया जाता है। तो आप इस तरह से यहाँ पे लगा के चल सकते हैं कि मई के 20 तारीख के बाद आपके जो रिज़ल्ट है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले 12th क्लास के रिज़ल्ट अनाउंस होंगे, फिर उसके बाद जून के महीने में आपका 10th क्लास का भी रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है फर्स्ट वीक में। तो मतलब 12th और 10th क्लास का जो रिज़ल्ट है एक एक दिन का गैप पड़ेगा, इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। मई के महीने में मेरे को लग रहा है मई के 20 तारीख के बाद आपके जो रिज़ल्ट है वो आना शुरू हो जाएंगे और सभी के जो रिज़ल्ट है 12th और 10th क्लास के वो जेके बोस की तरफ से निकाल दिए जाएंगे। बाकी दोस्तों जैसे ही रिजल्ट आते हैं तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम, और वहां पे जाकर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही में जुड़े बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा सबसे पहले आपको हमारे चैनल के थ्रू देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बस ये था हमारा आज का वीडियो।